शांति। आज की तारीख है 7/6/24 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक, तो हमारी समस्या ये है कि हमारा एक दो से आपस में अति प्यार होना चाहिए, परंतु कभी कभी देखा गया है कि नहीं होता। दूसरी बात, बाबा कहते हैं तुम प्रेम से भरपूर गंगा बनो, यानी हम हरेक को ऐसा प्रेम दें जैसे गंगा हरेक को पतित से पावन बनाती है, परंतु हम सभी को प्रेम दे नहीं पाते। जिनको हम अपना समझते उनको प्रेम देते हैं, नहीं समझते उनको नहीं देते। तीसरी बात हमारी, बाबा कहते हैं कि कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं, और हम लड़ते झगड़ते हैं, क्यों, कारण क्या? तो आइए सुनते हैं बाबा, समाधान बताते हैं, कारण बताते हैं कि तुम आपस में रूहानी भाई भाई हो। हम एक परमपिता परमात्मा के संतान हैं, बच्चे हैं, तो हमारा संबंध आपस में भाई भाई का है। अगर हम इस संबंध से एक दो से मन वाणी कर्म से व्यवहार करेंगे तो ये तीनों बातें समाप्त हो जाएंगी। प्रश्न है, रूहानी बाप को कौन से बच्चे बहुत बहुत प्यारे लगते हैं? उत्तर है कि जो श्री मत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं वो प्यारे लगते हैं। दूसरा, जो फूल बने हैं कभी भी किसी को कांटा नहीं लगाते, यानी दुख नहीं देते, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहते हैं, भाई भाई की दृष्टि वृत्ति संबंध से, फिर वो कभी रूठते नहीं, रूठते नहीं, ऐसे बच्चे बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। जो देह अभिमान में आकर आपस में लड़ते हैं, लूण पानी होते हैं, यानी झगड़ते हैं, वो बाप की इज्जत गंवाते हैं, वह बाप की निंदा कराने वाले निंदक हैं। धारणा के लिए मुख्य सार दो मधुर महावाक्य। नंबर एक, प्रेम से भरपूर गंगा बनना है, सबके प्रति प्रेम की दृष्टि रखनी है, कभी भी मुख से उल्टे बोल नहीं बोलने हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रेम के सागर पिता परमात्मा के बच्चे हैं, तो बाबा का गुण वो हमारा गुण होना चाहिए। नंबर दो, किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है, स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है, अभ्यास करना है कि अंत समय कोई भी चीज याद न आए। वरदान आज का, पुरानी देह व दुनिया की सर्व आकर्षणों से सहज और सदा दूर रहने वाले राज ऋषि भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, राज ऋषि अर्थात एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा, जो अधिकारी होगा उसके पास सब कुछ होगा, यानी राजा को जैसे राजाई का नशा होता है, और दूसरी तरफ बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा। हमारे जैसा बेहद का वैराग्य कोई करता नहीं, कर भी नहीं सकता, ये भी एक अलौकिक नशा है। वर्तमान समय इन दोनों अभ्यास को बढ़ाते चलो। वैराग्य माना किनारा नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते भी
हद की आकर्षण मन बुद्धि को आकर्षण में नहीं लाए। हम क्या करते हैं, जिससे बनती नहीं, जिससे लड़ाई झगड़ा होता, हम उनसे किनारा कर लेते हैं। परंतु बाबा कहते हैं किनारा नहीं करना है। ये पुरानी देह व देह की पुरानी दुनिया, व्यक्त भाव, वैभवों का भाव, इन सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले। स्लोगन है, साइंस के साधनों को यूज करो लेकिन अपने जीवन का आधार नहीं बनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।